देखिए आप, ये घटना महाभारत की है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण उस समय थे और दुर्योधन ये चाहता था कि द्रौपदी की साड़ी खींच करके इसे नंगा करके हम अपनी जांग पे बिठा लें। एक प्रमोद कवि है, उन्होंने एक छंद लिखा है कि नारी जात नग्न नानहारी जात नेक कहूं किंतु ई सभा में वाकी पर्दा ओघारी जात। बैठे हैं पंच देखो भूपति अनेकों मंच, पंच तो सही पे न्याय नीत न बेचारी जात। प्रमोद जी कहते हैं कहत प्रमोद दो कर से दुकूल दावे, द्रौपदी के नैन बही नीर की पनारी जात। हा हा कर हारी जात दशा नानिहारी जात, सारी जात सर से तो लोक लाज सारी जात। कहती है ये खिंचे तन से सारी सभा देखती है सारी, सिर सारी गई जो सारी तो गई लोक लाज सारी। ए सिर सारी गई जो सारी तो गई लोक लाज सारी। ये खींचे खींचे तन से सारी सभा देखती है सारी, फिर सारी गई जो सारी तो गई लोक लाज। ए सिर सारी गई जो सारी तो गई जो वहां से पूछते हैं कि क्या वहां धृतराष्ट्र की राज्यसभा में न्याय नहीं हो रहा है? तो बोली हो यहां न्याय काय होगा महाराज, यहां न्याय रो रहा है अन्याय हंस रहा है। न्याय तो रो रहा हो अन्याय हंस रहा हो, यहाँ न्याय रो रहा है अन्याय हंस रहा है। तो भगवान बोले क्या धर्मराज नहीं बैठे? धर्मराज माने युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई, वो धर्मराज भी कहलाते थे। तो क्या धर्मराज नहीं बैठे? बोले बैठे तो हैं लेकिन यहाँ धर्म धर्मधारी धरणी में धस रहा है। तो बोले कोई नर बैठा वहां के नहीं? बोले नर तो सभी बैठे लेकिन लुगाई बने बैठे। क्या बढ़िया बात कही, नरनाथ नर यहाँ पर बैठे बने हैं नर। ए नरनाथ नर यहाँ पर बैठे ये बने हैं नारी, ये खींचे तन से सारी सभा देखती है सारी, सिर सारी गई जो सारी तो गई लोक लाज सारी।
फिर सारी गई जो सारी तो गई लोक लाज सारी। हाँ फिर सारी गई जो सारी तो गई लोक।